नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस बार UPTU या जिसे हम AKTU भी कहते हैं उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने UPSEE में अप्लाई किया है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लगभग हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म को अप्लाई करने वाले लोग हैं बहुत ही कम हैं और सीटें बहुत ही ज़्यादा हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सीटें इस बार खाली रह सकती हैं। और आवेदन करने की जो तिथि है उसे बार बार इसीलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, फिर भी इतने लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं कि सारी सीटों को भरा जा सके। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको UPTU या AKTU से रिलेटेड सभी अपडेट मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पूरी न्यूज़ को जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो खबर हमारे सामने आ रही है इसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी कि AKTU में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रवेश के लिए छात्र आगे ही नहीं आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम स्टूडेंट UPTU या AKTU में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। UPTU के जो अथॉरिटी है बहुत ही कोशिश कर रही है, उसके बावजूद मात्र 1,73,907 आवेदन हुए हैं आज की डेट तक, और जिसमें से 1,48,729 लोगों ने मात्र फीस का पेमेंट किया है, यानी कि इनके आवेदन मात्र एक्सेप्ट किए गए हैं। और अभी तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार अगर हम देखें तो बीटेक की कुल 1,42,000 सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी अपडेट कि UPTU में आपकी बीटेक की कुल 1,42,000 सीटें हैं, लेकिन अभी इतने आवेदन नहीं आ पाए हैं कि 1,42,000 सीटों को भी भरा जा सके। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि हालत कितनी ज़्यादा खराब है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो भी UPTU के कॉलेज हैं उनमें प्रवेश के लिए जो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा होती है यानी कि 2020 की, जो इसको हम UPSEE के नाम से जानते हैं, इसकी जो प्रवेश की तिथि है फॉर्म को अप्लाई करने की, इसको एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अभी आप 31 मई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आगे क्या है न्यूज़ हम आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगातार हो रहा है कि जो फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग 4 बार फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाया जा चुका है और अब 31 मई तक इस डेट को कर दिया गया है। आपके किसी अगर फ्रेंड ने अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिए, वो भी इसको अप्लाई कर पाए। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया दें आपको कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो आप 3 जून 2020 तक उसको संशोधित कर लेंगे, यानी कि उसको आप करेक्शन कर सकते हैं आपके फॉर्म में अगर कोई भी मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों, जो UPTU के हमारे कुलपति हैं श्री विनय कुमार, प्रोफेसर जो विनय कुमार पाठक जी हैं, वो उन्होंने हमको एक काफी अच्छी जानकारी बताई प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी ने कि लॉकडाउन के कारण। जी दोस्तों, अब ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे हर साल UPTU में काफी ज्यादा लड़के इंटरेस्टेड रहते थे, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा है उसके कारण आवेदन की संख्या में बहुत ही ज्यादा कमी आ रही है, बहुत ही कम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। कारण यह है कि ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल नहीं है और जो इंटरनेट के कैफे होते हैं, साइबर कैफे होते हैं जहाँ पे इंटरनेट की दुकानें रहती हैं, वो सब बंद हैं। तो जो अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म करना चाहते हैं उनके लिए 12 बार तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी बहुत ढील मिलती है तो अगर कोई कैफे वगैरह होता है तो वो आसानी से अप्लाई कर पाएं, या जो भी उनके पास सुविधा उपलब्ध हो उसके थ्रू वो कम से कम फॉर्म को अप्लाई तो कर पाएं। तो बहुत ही बड़ी दिक्कत ही हो सकती है UPTU वालों के लिए। ये हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी बहुत ही बड़ी नाकामी को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो दोस्तों, आप अभी देख पा रहे होंगे कि मात्र 1.5 लाख लोगों ने टोटल अप्लाई किया है और 1,42,000 सीटें तो आपकी बीटेक की हैं, बाकी आपकी जो अदर कोर्सेज रहते हैं मैनेजमेंट के, बी फार्मा वगैरह के, उनकी तो हम बात ही छोड़ दें। तो आपको लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके कम नंबर भी रहेंगे फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसी ढेर सारी अपडेट्स आती रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।